हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में वी आर स्टार्टिंग रोम्बस। रोम्बस जो है एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होंगे। मतलब पैरेललोग्राम तो है लेकिन एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके चारों साइड्स इक्वल हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी जो है वो ये है, अ स्पेशल पैरेललोग्राम whose all sides are equal, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज लिखते जाना। ये प्रॉपर्टी वन है, इसको पी वन लिख दिया अभी हमने। प्रॉपर्टी वन दैट ऑल दी फोर साइड्स आर इक्वल। अब ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, प्रॉपर्टी टू। ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम की जनरलाइज प्रॉपर्टी है, तो अब हम लोग इसमें ये बोलेंगे ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। ये प्रॉपर्टी अभी हमने बोला किसकी है, पैरेललोग्राम की, और पैरेललोग्राम का ये स्पेशल केस है इसलिए ये इसमें भी अप्लाई होगी। फिर इसके बाद पी थ्री डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो होता है, ये भी होता है पैरेललोग्राम में, लेकिन अब नई चीज क्या गई है एट 90 डिग्रीज। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं पैरेललोग्राम में, लेकिन यहां पर अभी हम लोग बोलेंगे 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करते हैं। फिर पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो यहां पर भी अप्लाई होगी। तो कौन सी वाली प्रॉपर्टी है जो अलग है, एक तो ये वाली और दूसरी वाली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज। उसमें सिर्फ ऐसा होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन यहां पर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है 90 डिग्रीज, ये भर प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। तो अब इनको नोट कर लेना, फिर अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डायगोनल्स बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्रीज, इसका अभी हम लोग प्रूफ ले ले रहे हैं। देखो ध्यान से, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्रीज, वी विल बी प्रूविंग दिस प्रॉपर्टी। सपोज इसको अभी हम लोगों ने ओ बोल दिया और इसमें ट्राइंगल ए ओ बी ले लिया और ट्राइंगल ए ओ डी, ये अगर आप बिल ए ओ बी और ए ओ डी, इसमें दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, इन दो ट्राइंगल्स में अगर आप देखें तो ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी क्यों होगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ओ जो है दैट इज मिडिल पॉइंट ऑफ बी डी, ओ इज द मिडिल पॉइंट ऑफ बी डी। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, पहली चीज। फिर इसके बाद ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये कॉमन है, इन दो ट्राइंगल्स में देखो एओ कॉमन है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी इज इक्वल टू ए डी क्यों है, क्योंकि रोम्बस है, रोम्बस के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग इसके बेसिस पर क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ डी, और ये ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं बेटा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। इन दोनों ट्राइंगल्स में ए एंगल, ए एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर होगा, लेकिन अभी हमें इसका कोई यूज नहीं है। ओ इज इक्वल टू ओ, मतलब ये वाला जो एंगल है, सपोज इसको अभी हम लोग एक्स नाम दे दें, हम लोग नाम इसलिए दे देते हैं सो दैट इट इज इजी टू नेम दीज टू रीड दीज,
इसको एक से अगर नाम दे दिया तो इसको पढ़ना जो है आसान हो जाएगा। इसको अगर अभी हम लोगों ने एक्स नाम दे दिया और इस वाले को सपोज वाई नाम दे दिया, तो अब हम लोगों को क्या मिलेगा, एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, मतलब एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। ये वाला जो एंगल है एक्स और ये वाला जो एंगल है वाई, ये इक्वल होंगे। हमने थोड़ा सा बड़ा करके अलग करके दिखा दिया, ठीक। और ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स हैं उनका एडिशन 180 आता है। तो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स कौन से हैं, एक ये एक्स है और एक ये वाई है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आएगा बेटा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब लाइन के ऊपर बनने वाले एंगल्स का एडिशन। लाइन के ऊपर अगर दो एंगल्स बन रहे हैं तो दोनों का एडिशन 180 आ रहा है, अगर तीन बन रहे होते तो ये तीनों का एडिशन 180 आता, ठीक। तो x प्लस वाई 180 आ गया। अब x प्लस वाई 180 में x की जगह y रख दो या y की जगह x रख दो, आपको जो अच्छा लगे। तो आपने क्या किया, ये x तो ऐसे ही लेने दिया, y की जगह x रख दिया, तो कितना आ जाएगा, 2x is equal to 180, यानी x is equal to 180 divided by 2 आ गया, यानी ये 90। और यही प्रूफ करना था, अगर x 90 आ गया बेटा तो y भी 90 आएगा। मतलब इन एंगल्स को अगर आप देखो, ये सारे एंगल्स को अभी हमने सारे ड्रॉ कर दिए हैं, साइड्स नहीं ड्रॉ किए, ये साइड्स जानबूझ के सिक्के नहीं बनाए, आपको दिखे काम की चीजें। ये 90 है, 90 ये भी 90 आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है तो ये भी 90। So, diagonals are bisecting each other, ये तो parallelogram में भी होता है, लेकिन diagonals bisect कर रहे हैं at 90 degrees, मतलब क्या है, ये O BD का middle point है और O AC का भी middle point है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर बेस कुछ problems ले रहे हैं। Today we'll be discussing some problems of rhombus, tomorrow we'll be discussing the remaining quadrilaterals and most probably tomorrow we'll be finishing off the chapter. If there are no doubts, अगर doubts हैं तो doubts का discussion होगा, ठीक। अब इसमें इन्होंने एक problem दिया हुआ है, rhombus है, लिख लेना, this is a rhombus. रोम्बस है, इस रोम्बस में ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फिर आपको आर ई की वैल्यू 13 दी है और ओ आई की वैल्यू 5 है, ओ आई की वैल्यू 5 है और ओ सी की वैल्यू 12 है, 5 एंड 12। आपको x, y और z निकालना है, o, e निकालना है, ये x निकालना है, नोट कर लेना बेटा, o, r निकालना है, y और z कौन सा है, i, r, z, ये निकालना, सिंपल। अब इसमें देखो, इसमें अगर आपको एंगल्स दिए हुए, सॉरी ये अगर एक रोम्बस दिया हुआ है तो रोम्बस में हमें ये प्रॉपर्टी मालूम है दैट द एंगल्स, सॉरी द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, डायगोनल्स 90 डिग्रीज पर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, अगर ये 5 है OE will be equal to OI, ये क्यों होगा बेटा, क्योंकि diagonals bisect करते, मतलब O जो है वो इसका middle point रहेगा और O इसका भी middle point रहेगा। तो ये बहुत सिंपल सा problem है जिसमें OE की value x है और OI की value 5 है, ये OE x है और OI की value 5 है, इतना सिंपल है। अब आपको ये
ओसी इज इक्वल टू ओ आर होगा, ओसी इज इक्वल टू ओ आर, तो ओसी की वैल्यू कितनी है बेटा 12 है और ओ आर की वैल्यू वाई है, तो वाई आ गया 12। ये मिडिल पॉइंट है इसका, मतलब ये 5 है तो ये भी 5 है, ओ इसका मिडिल पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक, अब इसके बाद प्रॉब्लम में इन्होंने एक साइड भी दिया हुआ है, इन्होंने ये 13 दिया हुआ है, अगर नहीं दिया होता तो भी निकाल सकते थे, इन्होंने z निकालने को बोला है, अब ये 13 दे दिया तो निकालने कुछ बचे नहीं है, बस इसमें क्या है, इस पहले प्रॉब्लम में आपको प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन है, प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन क्या है कि ये इसका मिडिल पॉइंट है और ये इसका मिडिल पॉइंट है, फिर z निकालना है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होते हैं मतलब z की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 13 आ जाएगी। ये प्रॉब्लम में दिया हुआ था, हमने नहीं देखा, हमने मार्क कर दिया, लेकिन हमने ये बोला कि अगर आपको ये 13 नहीं भी दिया होता तो भी अभी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे देखो जरा ध्यान से, ये अभी हम लोगों ने ओ पॉइंट मार्क किया, ये ई मार्क किया, ये आई है, ये आर है, ये एक्स की वैल्यू 5i है, ये 5 है, वाई की वैल्यू कितनी आई है बेटा 12i है, अब ये 90 डिग्री है, तो अब आपको क्या निकालना है, ई आर की वैल्यू निकालनी है, तो ई आर कैसे निकालेंगे, ई आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक, अब ओ ई की वैल्यू कितनी है, ओ ई की वैल्यू 5 है, इसे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी 90 के सामने वाला साइड, 90 के सामने वाला साइड स्क्वायर करके एक तरफ लिख दो, 90 के सामने वाला साइड ER को स्क्वायर करके एक तरफ लिख दिया, दूसरी तरफ दोनों साइड्स को लिख दो, दोनों साइड्स कौन से हैं OE और OR, OE और OR 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, हमने बोला इसमें इतने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर नहीं दिया होता तो क्या होता, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो ये 169 आ जाएगा बेटा, और अगर ये 169 आया तो ER की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 169 यानी 13 आ जाएगा। तो ये पहला प्रॉब्लम हो गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नोट करने के चक्कर में मत रहना, हम बार बार अभी हम तुम लोगों को सभी क्लासेस में यही इंस्ट्रक्शन देते हैं, बिकॉज कुछ लोगों को ये हो सकता है कि समझना और साथ में लिखना या सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दी कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए बाद में आप कर सकते हैं, वीडियो को फिर से प्ले करके। अब इसके बाद अब इसमें दिया है वन ऑफ द डायगोनल्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, हम ये इसलिए लिख दे रहे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड्स, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं दिया, फाइंड ऑल द एंगल्स, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। ठीक है, देखने में ऐसा लग रहा है कुछ तो दिया नहीं, अब कैसे निकालेंगे एंगल, अब देखो पूरा बना दें क्या कि नहीं बनाए, ऐसा कुछ है ना, हमने पूरा अभी ड्रॉ नहीं कर रहे। अब इसमें इन्होंने बोला है कि
वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड्स। अब साइड्स तो चारों बराबर होते हैं, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 10 है तो ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 10 होगा, सारे 10 होंगे। और इन्होंने बोल दिया एक डायगोनल भी 10 है, 10 मत लिख लेना। ये और ये बराबर, सपोज इसको x लिखा, इसको भी x लिखा और इसको x लिख लिया, ठीक है बेटा। अब ऐसा दिया हुआ है प्रॉब्लम में, मतलब अभी हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा, इसमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि दैट वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड्स। अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे अभी हम लोग, ये एक्स अगर है, ये एक्स अगर है तो इस डायगोनल को, इस डायगोनल को अभी हम लोग एक्स लिख लिया। अब इस ट्राइंगल एबीडी में देखें आप, ट्राइंगल एबीडी में देखना बेटा, हम लोग क्या बोल रहे हैं, एबी इज इक्वल टू एडी इज इक्वल टू बीडी, तीनों साइड्स इक्वल हैं। अब तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो बेटा क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज इक्विलैटरल। ट्राइंगल ए बी डी कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, मतलब ईच ऑफ दीज एंगल विल बी 60। ये 60 आ गया, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्योंकि वन ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड्स, ये और ये बराबर हैं, मतलब ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब तीनों एंगल्स इसके 60 डिग्रीज आएंगे। अब इसके बाद क्या कह सकते हो, ऐसे ही बीसीडी के बारे में कह सकते हो, अगर ये एक्स है बेटा तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, तो ये भी क्या चीज बन गई, ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। ये ट्राइंगल बी सी डी आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, ट्राइंगल बी सी डी में बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी डी, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। अब ये तीनों एक्स के बराबर हैं, देयरफॉर ट्राइंगल बी सी डी इज इक्विलैटरल, और ये अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है बेटा तो ये 60 डिग्रीज आएगा, ये भी 60 आएगा और ये भी 60 आएगा। अब देखो चारों एंगल निकल आए, एंगल ए कितना है बेटा 60, ए 60 है, बी कितना है 120, बी अगर देखे तो ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 120 डिग्रीज है, सी एंगल 60 डिग्रीज है, और डी एंगल कितना है बेटा 120, यू खत्म हो गया, इतना सा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेना, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है जिसमें एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, क्वेश्चन पहले तो अभी हम क्वेश्चन समझाएंगे, एल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू द साइड ए बी बाइसेक्स ए बी
फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस. एल्टीट्यूड फ्रॉम डी ऑन ए बी, मतलब ऐसे ही बना सकते हैं, है ना, ए नीचे लिखते हुए, ध्यान रखना. ऐसा कुछ है. अब इन्होंने क्या बोला है, एबीसीडी इज अ रोम्बस, ये तो पार्ट हो गया. अब इन्होंने बोला एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, एल्टीट्यूड फ्रॉम डी ऑन ए बी, डी से ए बी के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ करी, ड्रॉ कर ली. एल्टीट्यूड ड्रॉ करी मतलब ये ऐसी कुछ होगी, परपेंडिकुलर रहेगा. एल्टीट्यूड ड्रॉ करते मतलब परपेंडिकुलर, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. किसको बाइसेक्ट कर रहा है बेटा, बी एम बाइसेक्ट से भी. ये अच्छे समझना, इसमें अगर दिक्कत है तो पूछ लो, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ. दिस इज गिवन, डीएम जो है ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा मतलब दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहा है. मतलब ए एम जो है MB के बराबर है. अब इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सारे एंगल्स कैलकुलेट करने. एंगल्स अगर कैलकुलेट करने तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखना. अब ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप अगर सोचते रहोगे, देखते रहोगे इसमें, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है ना. अब इसका क्या यूज करोगे एंगल्स निकालने में, है ना. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर दिया. किसको ज्वाइन कर दिया बेटा, डीबी को ज्वाइन कर दिया. अब देखो ये दो ट्राइंगल्स को, कौन से दो ट्राइंगल्स को देखो बेटा, ट्राइंगल ए एम डी एंड ट्राइंगल बी एम डी, इसको देख लो अच्छे, देखना बेटा. हम ये ऐसे नाम इसलिए लिख देते, पूरा नहीं लिखना पड़ेगा. x इज इक्वल टू y, एल्टीट्यूड dm इज द एल्टीट्यूड, इसलिए x इज इक्वल टू y. रीजन क्या है, ईच इज 90 डिग्रीज, ईच ऑफ दीज इज 90, ठीक. उसके बाद am इज इक्वल टू md, ये और ये एंगल बराबर है, ये वाला साइड ये वाले साइड के बराबर है. ये और ये बराबर क्यों है, क्योंकि दिया हुआ है कि भाई जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा. दो इक्वल मतलब ये और ये बराबर होंगे. आपने इधर वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो सामने वाले साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा, ये दिया हुआ प्रॉब्लम है ना. तो एम इज इक्वल टू एमडी, ये और ये बराबर, ये 90 और ये 90, और डीएम इज इक्वल टू डीएम, ये कॉमन साइड है. ये इधर गलत लिख दिया, एएम इज इक्वल टू एमबी लिखना था, आई एम सॉरी भाई, गलती हो जाती है कभी कभी. एएम इज इक्वल टू एमबी, ठीक है, चला लोगे ना. अब उसके बाद डीएम इज इक्वल टू डीएम, बी अच्छे से लिखते हैं ना, वहां दूर से कुछ लोगों को, कुछ लोग बहुत दूर से देख रहे हैं नोएडा से. ए एम इज इक्वल टू एम बी है, इटारसी वो तो इटारसी से देखना मतलब गलत दिख सकता है. ए एम इज इक्वल टू एम बी आ गया, ए एम और एम बी बराबर, और डीएम दोनों ट्राइंगल्स में. इस वाले ट्राइंगल को अगर आप बनाओगे और इस वाले ट्राइंगल को अगर आप बनाओगे तो डीएम दो बार बनाना पड़ेगा, ये वाला जो साइड है ये दो बार बनाना पड़ेगा. तो डीएम इज इक्वल टू डीएम. तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ए एम डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए.
अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्वेक्स आ गए, तो देखो बेटा एडी किसके बराबर आ गया, एडी किसके बराबर आ गया, बीडी के बराबर आ गया। तो ये पिछला प्रॉब्लम बन गया, पिछला प्रॉब्लम कैसे बन गया बेटा, ये एडी इज इक्वल टू बीडी में रीजन क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेक्स ट्राइंगल्स, एडी इज इक्वल टू बीडी। अब क्या है, ये क्या है साइड ऑफ द रोम्बस, और BD क्या है डायगोनल। तो ये और अच्छा क्वेश्चन है, ये पिछला ही क्वेश्चन बन गया, इसके बाद का पार्ट अब हम नहीं कर रहे, है ना, क्यों, क्योंकि अब आपको मालूम है ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में तो अब इसमें ये जो प्रॉब्लम है दिस बिकम्स सिमिलर टू द प्रॉब्लम विच वी हैव डन ऑलरेडी। और अब इसके बाद का प्रॉब्लम क्या है, दैट वन ऑफ द साइड्स विल बी इक्वल टू व्हाट, द डायगोनल। सो वन ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू डायगोनल, तो डायगोनल अभी हम लोगों को डायगोनल अगर साइड्स के बराबर है, डायगोनल अगर साइड्स के बराबर है तो ईच ऑफ दीज विल बी एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये 60 और 60 मिलाकर 120। ये अभी हम लोग पिछले पिछले प्रॉब्लम में कर चुके हैं ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ले ले रहे हैं, अब अगला नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको क्या दिया है, डायगोनल्स दिए हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में द डायगोनल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना बेटा, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 6 and 8। The diagonals of a rhombus are 6 and 8. इसमें BD 6 है और AC 8 है, ठीक, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब हमें यह मालूम है, इसमें यू हैव टू फाइंड आउट द साइड्स, क्वेश्चन लिखते हैं, हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखते, फाइंड द साइड्स, शॉर्ट में डेटा भी लिख दिया और आपको क्या निकालना वो भी लिख दिया, यूनिट्स आपको लिखनी है ये लिख लीजिए। अब हमें ये मालूम है कि किसी रोमबस में द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 degrees। बीडी अगर 6 है मतलब ये 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, 6 लिखना, 6 लिख लिया। और उसके बाद एसी 8 है, एसी 8 है मतलब ये 4 होगा, ये भी 4 होगा, और इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। तो अब हम लोगों को साइड अगर निकालना, तो एडी स्क्वायर विल बी इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, निकाल लो बेटा जल्दी से, डू इट फर्स्ट। अब एडी की वैल्यू, एओ कितना है बेटा, AO 4 स्क्वायर है और OD इसमें 3 स्क्वायर है, तो ये 16 आ जाएगा, 16 प्लस 9, ये AD स्क्वायर है, बहुत बढ़िया कुशाग्र, ठीक है, ये बेटा AD स्क्वायर 25 आया, तो AD की वैल्यू क्या 5 आ जाएगी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन के भी प्रॉब्लम्स ऐसे ही आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्ट
अ रोमबस हुज डायगोनल्स आर गिवन. आपको अगर यही वाला रोमबस बनाने को कहा जाए, अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी यही प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. क्या यूज करोगे? सबसे पहले आप 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक डायगोनल बन गया. मोर देन हाफ लेकर इस पॉइंट को सेंटर लेकर, मोर देन हाफ को रेडियस लेकर, अभी आप कट करो ऊपर और नीचे, फिर इस पॉइंट को सेंटर लेकर उतनी ही रेडियस लेकर आप ऊपर और नीचे फिर से कट करो. ये अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये इसका सेंटर आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया, ये 8 अब तो बना लिया है, अब 6 बनाना है. तो अब इसको सेंटर लेकर, ध्यान से सुनना, 3 सेंटीमीटर इधर ऊपर कट करो एक आर्क, और 3 सेंटीमीटर नीचे कट करो, फिर आप इसको मिला दो. प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस फिर से बता दें, क्या तरीका रहेगा? आप सबसे पहले सपोज एसी ड्रॉ कर लिया, एसी का फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो. एसी कितना है? 8 है. 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली. फिर इसके बाद इस पॉइंट को सेंटर लेकर एंड मोर देन हाफ रेडियस लेकर आप एक आर कट करेंगे. और उतनी ही रेडियस लेकर इसको सेंटर लेकर अभी आप ये आर कट कर रही है. तो ये अभी हम लोगों को क्या मिल जाएगा? ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया. फिर इसके बाद इसको सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर ऊपर कट करो, तो ये डी पॉइंट आ जाएगा. 3 सेंटीमीटर का इसको सेंटर लेकर एक नीचे आर्क कट करो, तो ये बी मिल जाएगा. फिर इसको आप जॉइंट कर लेना. ठीक है, चलिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स ऑन द नेक्स्ट टाइम. दैट्स ऑल.